दोस्तों, बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो या फिर बिजनेस की हो, दोनों में ही सही पार्टनर का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि बिजनेस में सही पार्टनर होने से बिजनेस में सफलता पाना आसान हो जाता है, और अगर लाइफ में सही पार्टनर हो तो लाइफ भी आसान हो जाता है। सही पार्टनर होने से सच में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और सच तो ये है कि हमारे पार्टनर का जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, जो फाइनेंशियल हैबिट्स है, उसका हमारे सफलता और असफलता में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आप देखेंगे कि पार्टनर की अच्छी फाइनेंशियल हैबिट की वजह से हमें बहुत फायदा हो सकता है, और हमारे पार्टनर की गलत फाइनेंशियल हैबिट से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। होता ये है कि अगर हमारे पार्टनर की फाइनेंशियल हैबिट्स गलत हो तो इससे अक्सर पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, और पैसे की प्रॉब्लम बने रहने की वजह से अक्सर घर में या फिर बिजनेस में अशांति बनी रहती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप पार्टनर चुने, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, दोनों ही केस में आपको फाइनेंशियली राइट पार्टनर ही चुनना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंशियली राइट पार्टनर चुनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस में किसी अमीर पर्सन को चुने, या फिर लाइफ में अगर आप शादी करते हैं तो वहां पे आप अमीर आदमी से ही शादी करें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियली राइट पार्टनर चुनना है। फाइनेंशियली राइट पार्टनर से मतलब है जिसके अंदर अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हो। जी हाँ, मेरा मतलब है कि अगर हमारे पार्टनर के अंदर अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स है तो इससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो सकता है, और इससे हमारी लाइफ काफी आसान हो सकती है। और अगर बिजनेस हो तो बिजनेस भी हमारा आसानी से रन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गलत फाइनेंशियल हैबिट्स हो हमारे पार्टनर के अंदर, चाहे वो बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ में, तो दोनों ही केस में हमें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है, और पार्टनर की गलत फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि अच्छी फाइनेंशियल हैबिट से मेरा मतलब क्या है, और हमारे पार्टनर के अंदर कौन सी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेनली मैं लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर कौन सी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो जरूरी फाइनेंशियल हैबिट्स है वो ये है कि उसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मेरा मतलब है कि जैसे ही हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसे खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वास्तव में उस चीज की हमें जरूरत है या नहीं, वास्तव में वो चीज हमारे बजट के अंदर आता है या नहीं, उस चीज को खरीदने की वजह से हमें किस तरह के फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये सोचे समझे बगैर जैसे ही हमें कोई चीज पसंद आती है और अगर हम उसे खरीदना चाहते हैं तो इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और जब हम कोई चीज सोच समझ कर खरीदते हैं, प्लानिंग करके खरीदते हैं, उसके लिए बजट रेडी करते हैं, तो उसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आईफोन का नया मॉडल आ रहा है और वो हमें पसंद आ जाता है, और जबकि हमारा बजट रेडी नहीं है और हमारे बजट में वो चीज़ नहीं है, फिर भी क्योंकि हमें पसंद आ जाता है और हम आईफोन के शौकीन हैं, हम आईफोन के फैन हैं, तो इस वजह से अगर हम उसे खरीदना चाहते हैं तो इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा जा सकता है। तो इस तरह की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हैबिट है ये एक रॉन्ग और गलत फाइनेंशियल हैबिट है। अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि सोच समझ कर खर्च करने की आदत। और दूसरी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है नो फॉल्स शो ऑफ, यानी कि हमारे पार्टनर के अंदर शो ऑफ करने की जो आदत है वो नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता यह है कि हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कलीग्स को, अपने जानने पहचाने वालों को दिखाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं अननेसेसरी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। चाहे वो घर के मामले में हो, कपड़ों के मामले में हो, किसी भी चीज़ के मामले में हो, अक्सर हम अपनी जो हैसियत है उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें फॉल्स शो ऑफ की कैटेगरी में आती हैं, और ये एक रॉन्ग फाइनेंशियल हैबिट्स है। यहाँ पर अगर अच्छी फाइनेंशियल हैबिट की बात की जाए तो ये होगी कि हम इस फॉल्स शो ऑफ के जाल से दूर रहे, और हम दूसरे से कंपेयर करके ना चले। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, वो चीज़ क्या खरीद रहा है, उसके चक्कर में हम ना पड़े। हम अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें खरीदें जो हमारे ज़रूरत है, और उन चीज़ों पे हम अपना पैसा खर्च करें जो सच में हमारे काम में आने वाली हो। तो इस तरह की लाइफ अगर हम जीते हैं और इस तरह की अगर फाइनेंशियल हैबिट हमारे और हमारे पार्टनर के अंदर है तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तीसरी गुड फाइनेंशियल हैबिट्स है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। जी हाँ दोस्तों,
मनी मैनेजमेंट स्किल से मेरा मतलब है कि हमारे पास जो भी इनकम आ रहा है उसे हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं, क्या हम अपना बजट बना रहे हैं, क्या हम अपने खर्चों का हिसाब किताब रख रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं कि हम किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और किन चीज़ों पर हमें कितना खर्च करना चाहिए, क्या हमें इस बात की समझ है कि हम अपने पैसे का सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हमें बैंकिंग की कितनी समझ है, हम अपना सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से कर रहे हैं, क्या वो हमारे गोल्स को, हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट स्किल्स। हम किसी तरह के निवेश में क्या रिस्क उठा रहे हैं इसकी जो समझ है ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए और इसे कहते हैं गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। तो ये भी हमारे पार्टनर के अंदर और हमारे अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की जो समझ है वो भी हम दोनों के अंदर, हमारे पार्टनर के अंदर और हमारे अंदर होना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा कर्ज हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कर्ज बुरा है। अगर हम बुरे कर्ज के जाल से बच जाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें या फिर हमारे पार्टनर को अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ नहीं है तो हम हो सकता है कि बुरे कर्ज के जाल में फंस जाए और इस वजह से हमें लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ओवर स्पेंडिंग है, यानी किसी चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो इसे हम ओवर स्पेंडिंग कहते हैं। और इस तरह की जो हैबिट्स है वो रॉन्ग, गलत हैबिट है, गलत फाइनेंशियल हैबिट्स है और ये हमारे पार्टनर के अंदर या हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पार्टनर के अंदर इस तरह की हैबिट्स ना हो और वो ओवर स्पेंडिंग ना करता हो, उसे अपने ओवर स्पेंडिंग के ऊपर, अपने खर्च के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे पार्टनर के पास या हमारे पास रिटेन फाइनेंशियल गोल्स का होना ज़रूरी है, ताकि हम दोनों मिलकर और सूझबूझ के साथ से उस फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें और उसे हासिल कर सकें। इसके अलावा अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि हमने पास्ट में जो भी उधार लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो या किसी और से लिया हो, तो वहाँ पे हमारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने किसी का पैसा डुबा दिया हो या किसी का लिया हुआ कर्ज वापस ना दिया हो। तो इस तरह की हैबिट एक रॉन्ग हैबिट्स है, गलत फाइनेंशियल हैबिट्स है और इस तरह की हैबिट्स हमारे अंदर या हमारे पार्टनर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए, क्या हमारे पार्टनर के अंदर इस तरह की कोई गलत हैबिट तो नहीं है, क्या वो जो कर्ज लेता है उसे टाइम पे चुकाता है या नहीं चुकाता है, क्या वो अच्छे कर्ज लेता है या बुरे कर्ज लेता है। तो इस तरह की जो हैबिट है ये भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह की अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को ध्यान में रखते हैं जो आपके पार्टनर के अंदर है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा पार्टनर चुना है और इससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है और आप फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके उल्टा, अगर ये फाइनेंशियल हैबिट्स आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों याद रखिए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अच्छा पार्टनर चुनना हमारे जो सक्सेस है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि अच्छा पार्टनर हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को समझता है, वो ये देखता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं और किन चीज़ों पे हमें कितना खर्च करना चाहिए, इस बात को वो समझता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राइट पार्टनर है वो हमारे खर्चों को अननेसेसरी बढ़ने नहीं देता है। अगर हमारे खर्च बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे वो रोकता भी है कि इस तरह के खर्च हमें नहीं करने चाहिए, जबकि अगर पार्टनर गलत हो तो वो वहाँ पे रोकेगा नहीं और हमारे खर्च बढ़ते रहेंगे और इससे हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अच्छा पार्टनर हमेशा हमें बुरे कर्ज को लेने से रोकेगा, उन कर्जों को लेने से रोकेगा जो हमारे लिए सही नहीं है और जिनकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा राइट पार्टनर हमेशा नेटवर्थ और रियल वेल्थ, ट्रू वेल्थ बनाने पे फोकस करेगा, ना कि नकली चीज़ों को खरीदने के चक्कर में। वो जो इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज़ें होती हैं, नए गैजेट्स या फिर इस तरह की चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में काम में नहीं आती हैं, उन चीज़ों के ऊपर ना फोकस करते हुए वो लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ और नेटवर्थ बनाने के लिए फोकस करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राइट पार्टनर है वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा इंस्पायर भी करता रहेगा कि चलो यार मैं साथ में हूँ और हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। इस तरह की मोटिवेशन भरी बातें अगर कोई करता है तो इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है और लॉन्ग टर्म में हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हम अच्छी तरह से अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप पार्टनर चुने, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो। अगर आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की क्वालिटीज हैं, इस तरह की अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है और इससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
और दोस्तों अंत में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि कभी भी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आप उन चीजों को ना खरीदें जिन चीजों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, इस तरह की हम गलती करते हैं कि शुरुआत में हम अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा इस तरह की चीजें खरीदते हैं जो हमारे बजट से बाहर होती है। कई बार तो हम लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई पर चीजें खरीद लेते हैं जिससे हम अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर पाए, और होता ये है कि लॉन्ग टर्म में ये चीजें छूट नहीं पाती हैं, और इस तरह की हैबिट्स लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत पेनफुल साबित हो सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपका पार्टनर इम्प्रेस हो जाए, लेकिन जैसे ही बाद में उसको पता चलेगा कि ये तो आपकी रियलिटी नहीं थी, रियलिटी तो कुछ और है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वास्तव में कुछ और है और आपने जो दिखाया था वो सब झूठ है, तो इससे आपके रिश्तों में बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इस तरह की गलती कभी भी ना करें और हमेशा रियल रहें, और ये कोशिश करें कि जैसे आप हैं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे आप छुपाने की जगह उसे आप सही तरह से खुद भी एक्सेप्ट करें और दूसरों को भी बताएं कि आपकी हालत इस तरह से है, और अगर वो इस तरह से एक्सेप्ट करता है तो ये लॉन्ग टर्म में एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकता है जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये था वो प्रो टिप जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ इस तरह के खर्च नहीं करना चाहिए जो आप वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से ये मैसेज मिला होगा कि आपको जो पार्टनर चुनना है वो फाइनेंशियली राइट पार्टनर चुनना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर बिजनेस लाइफ हो। तो ये था आज का पर्सनल एंड बिजनेस मनी लेसन। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको वीडियो पसंद आता है फिर भी वो लाइक नहीं करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहें। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसे अपने खास दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।